सब परीक्षा में फेल करता है। आज भी परीक्षा में फेल है। विद्यार्थी का परीक्षा कब होता है? फरवरी में, मार्च में, रिजल्ट मई में। कर कुटुंब का परीक्षा कब होता है? शादी में, श्राद्ध में, जगजाजन में, मुंडन में, विपत्ति काल में, बीमारी में, जमीन खरीदने में, मकान बनाने में, मारपीट में। देखने के लिए नहीं आए, मदद नहीं किए, कुटुंब फेल। सत्संगी का परीक्षा कब होता है? बेटा अकबर तुम्हारी। बहुत लोग बोलते हैं ना, हम राम का भगवान मानब, राम से बड़ी के हमारा मानंदीम जी। आप राम को मानते हैं, मुठ्ठा मुठ्ठा अगरबत्ती मूर्ति में जलाते हैं, लेकिन राम जो किए हैं और दुनिया के लोगों को जो चलने का शिक्षा दिए हैं, उस रास्ता पर नहीं चलते हैं। अगरबत्ती जलाने से क्या फायदा? भगवान श्री राम सबसे पहले नारी रक्षा किया, धनुष को तोड़ दिया, सीता जी के साथ फिरी में शादी किया। तोरा बेटा बकरी किल्ला ने तोरा पारे झन 22 लाख टका मांगनी जो केना बोली दो हमारा मानंदीम छिए काय ते लग लेते। हाँ, लड़की लड़का में जोग मिल रहा है, विवाह कीजिए। के एनो बेटे बाप नहीं छे, यौकात के अनुकूल आप नहीं देते। जब बेटी कलेजा का टुकड़ा दिया पारे, बेटी का यौकात के अनुसार बहुत कुछ देते। आपको धैर्य होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम कबीर मत में हैं। कबीर साहब दहेज पर भी बोले हैं, बिन मांगे सो दूध है, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर वह खून है जिसने खींचा दम। बिना मांगलो बेटी बाप दे दिया दूध, जय मांगे लगे पानी, जय लड़ाए भगले जल। सहरसा ना 12 लाख दे रही है, गजे 3 लाख गाड़ी घोड़ा ना होते। ले झगड़ा की दे झगड़ा, मुखिया जी ले, सरपंच साहब ये ले, लेते लेते बेटे बापो 1.5 बीघा जमीन बिकिए गेले। कहे कबीर वह खून है जिसमें खींचा था। कुछ लोग बोलते हैं हम संत मत में, 50 आदमी की हम पर तुहारी गए हैं, हम संत मत में सत्संगी की। एकदम गुरु महाराज के रात दिन स्तुति विनती रो। लोग बोलते हैं संत मत में 40 बरस से दीक्षा लिए हैं, रोज स्तुति करते हैं, काम क्रोध मद लोभ के बेग नहीं सताता। और सबसे बेसी बेग सताए छी वह दिन जे दिन बेटा फाइनल हो, वह दिन देखो केनो बेग सतवे जे ना 8 लाख हम नहीं होते ना, 8 लाख हम ना एलो रे मधेपुरा वाला कहले रे हम 14 लाख तो हमको के 8 लाख देखो बेग केनो सतवे एकदम घिचा तिड़ी भर रोज बोले जे काम क्रोध मद लोभ के बेग नहीं सता था। देखो वे दिन बेग गुरु हो महाराज बुझे जे तो झूठो स्तुति करे रहे तोरा याद देखे केनो बेग सते ले फेल कर। कुछ लोग बोलते हैं हम शिव शिष्य हैं, शिव जी 2 बार विवाह किए हैं, 1 बार दक्ष की बेटी सती के साथ, 1 बार हिमाचल की बेटी पार्वती के साथ विवाह किया। रामचरितमानस उल्टा ये भोला बाबा फिरी में विवाह किए। यहाँ तक भोला बाबा जब विवाह करने के लिए गए थे हिमाचल के यहाँ, तो जलखय नाश्ता कुछ छू न। आजकल के दुल्हा पहले जे ललके मड़वा पर मिर्गी लग जाए रूस विचार कीजिए।
दुल्हा जी के जमराज जी विचार जमाय माने की होय छै जमाय केकरा कहै छै पहिला ललकै ललकै मरवा पर हे बुझो जाम आबि गेल छौ तो होय जमाय मतलब बिहार होले ललकै ललकै तीन महीना साल ससुराल हम जमी रहे बुझो जाम जीजा जी केकरा कहै छै जीजा जी जे जी हो के जराय दे बुलेट पे जीजा अब बिचार जीजा जी मतलब जे जी हो के जराय दे दूल्हा केकरा के जे दू दिन ससुरारी में रहले तेसरो दिन घर एले उड़ा दूल्हा कहै छै दामाद केकरा के जे अपने दिए बे करले मेला देखे 10 12 गो साथ हम ले लेले दम दमाद द्वारी पर चढ़ चढ़ अब घर वैया व्यवस्था करो कहां से कंबल अनुभव करना को भी अनुभव पहुना केकरा के जे पहुना मरवा पर रुसी गले खाल कहो ना नहीं कर चलिए बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु चल चल जीवन में चाहिए देखिए भोला बाबा को भोला बाबा गए थे बैल पर बैठकर पार्वती से विवाह करने के लिए बैल पर भोला बाबा जब दुनिया धान के मालिक के छे वह स्कॉर्पियो करती है लोग देखती है लेकिन बैल पर बैठ कर गए बैल क्या है बैल को चार पैर है बैल धर्म का प्रतीक है चार पैर क्या है सत तप दान पवित्रता ये धर्म को चार चरण है मनुष्य को सत्य भी बोलना चाहिए मनुष्य को तप भी करना चाहिए मनुष्य को दान भी करना चाहिए मनुष्य को मंदिर की तरह अपने हृदय को पवित्र रखना चाहिए आज लोग उल्टे करते हैं मंदिर में जल चढ़ाते हैं परमात्मा के मंदिर में दारू चढ़ा देते हैं मंदिर में जाकर अगरबत्ती जला देते हैं अपने मंदिर में बीड़ी सिगरेट की धुइयां देते हैं मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाते हैं अपने मंदिर में मुर्गी अंडा चढ़ाते हैं मंदिर में जाकर पान बेल की पत्ता चढ़ाते हैं अपने मंदिर में राजनिवास गुटका चढ़ाते हैं यही भक्ति है जबकि तंत्र शास्त्र कहते हैं देहस्था सर्व विद्या च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानी गुरुवाक्यन लभते इसी देह में विद्या का खजाना है इसी देह में देवता का निवास है इसी देह में जितने भी तीर्थ में देवी देवता है इसी देह में निवास करते हैं शर्त यही है गुरु वाक्यन लभते उसके लिए गुरु से चुगती जानिए चाभी लीजिए भीतर चलिए चढ़ चलो गगन अटरिया हो सेजलिया जहां बालम की ये कबीर साहब का जजमेंट गुरु से दीक्षा रूपी चाभी लीजिए खोलिए ताला भीतर घुस जाइए जहां परमात्मा का निवास है गुरु महाराज कहते हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागी अगल बगल कहू दृष्टि न डोले सन्मुख बिंदु पकड़ ला इसी देह में परमात्मा का निवास है लोग तो उल्टे कर देते हैं बैल धर्म का प्रतीक है भोला बाबा बैल पर बैठ कर सत तप दान पवित्रता ये चारों चीज भोला बाबा लेकर गए।